शादी जीवन का एक खास उत्सव जिसमें रोमांच है, रोमांस है और जिम्मेदारी का बड़ा एहसास है। जहां जिम्मेदारी का एहसास हो वो बंधन मजबूत होना चाहिए। पर अक्सर हम जो खबरें सुनते हैं वो खबरें कच्चे बंधन को बताती है। दोस्तों, शास्त्र ये कहते हैं कि शादियां सूर्य की गवाही में होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ अधिकतर जो शादियां होती है वो अर्धरात्रि के आसपास फेरे लिए जाते हैं। शादी की प्रमुख रस्में अर्धरात्रि के आसपास होती है और वो समय नेगेटिव एनर्जी के सक्रिय होने का होता है। साफ कहा जाता है कि ये अर्धरात्रि का समय राक्षसी ताकतों के सक्रियता का समय है और उस समय हम जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। गठबंधन दो दिलों का होता है, दो इंसानों का होता है और सच पूछा जाए तो दो परिवारों का होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम सूर्य की गवाही में होना चाहिए वो काम राक्षसी ताकतों की गवाही में हो रहा है और इसलिए ये शादियों के बंधन अटूट नहीं रह पा रहे हैं। अब इस पर सवाल हो सकता है कि ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है, पहले भी बहुत सारी बातें थी कि जो रात्रिकालीन शादियां पहले भी होती थी। सवाल हो सकता है, तर्क की बात है और सवाल होने चाहिए। मैंने इस संदर्भ को इसलिए लिया है कि मैंने कहीं सुना था और उसमें यह बात स्पष्ट थी कि शादी जैसा पवित्र बंधन जिसमें दो दिल जुड़ रहे हैं, दो परिवार जुड़ रहे हैं, दो मान्यताएं भी कभी जुड़ती है, कभी दो परंपराएं भी जुड़ती है, अलग अलग कास्ट के जब दो दिल आपस में रजामंद होकर के शादी की इस पवित्र डगर पर आगे बढ़ते हैं तो फिर सूर्य की गवाही होनी चाहिए। हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि अग्नि की गवाही और उसके लिए यज्ञ हवन उसका महत्व है। पर लोग ये भी कहते हैं, ज्ञानवान लोग, कि सूर्य की गवाही सबसे अधिक जरूरी है। अब प्राचीन काल में इतनी आधुनिकता नहीं थी, उसकी वजह से शादियां टिकती थी। प्राचीन काल में सहनशीलता भी थी, प्राचीन काल में संयम था, प्राचीन काल में बात ऐसी थी कि बात कहीं बाहर निकल गई तो वो परिवारों की इज्जत का सवाल था। प्राचीन काल में एक बात और थी कि उस वक्त बेटियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनका काम घर को संभालना ही होता था। और आज जो बेटियां हैं वो बेटों से दो कदम आगे है, इसलिए ईगो क्रेस बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी तू-तू मे-मे होती है, बहुत जल्दी स्वाभिमान पर पात लग जाती है, बहुत जल्दी अहम की दीवार खड़ी हो जाती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन मैंने ये कारण इसलिए रखा है कि आज भी हम देखते हैं कि कई स्थानों पर कई परंपराएं ऐसी हैं जहां वो दिन में शादियां करते हैं और दिन में शादी करने के कुछ लाभ भी होते हैं कि फिर सारे जो परंपराओं की रस्मों की जो अदायगी है उसके बाद जो खान पान का जो उत्सव होता है वो भी दिन में आराम से हो जाता है। रात्रिकालीन में बहुत सारी पेचीदगियां, बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, तो इस पर सभी समाजों को विचार करने की आवश्यकता है। शास्त्र का प्रमाण भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में जो व्यवहारिक धरातल पर जो चीजें सही रूप से परफेक्शन के आधार पर बैठ सकती है वो भी समझनी जरूरी है। जब प्राचीन परंपराओं के बीच आधुनिकता अधिक हावी होने लग जाए तो उस वक्त निश्चित रूप से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब ऐसा लगने लग जाए कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब इतना ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ कारण आपको मिल जाते हैं कि पहले शिक्षा की कमी थी, सहनशीलता थी, अब शिक्षा तो बहुत है सहनशीलता नहीं है, क्योंकि
सबको लगता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं या खड़ी हूं, तो मैं किसी की क्यों सुनूं? और क्यों सुनूं? यह सबसे बड़ा कारण बनता है, वहां सहनशीलता, वहां संयम, वहां झुकना, वो विनम्रता, वो सब फिर हाशिए पर चली जाती है। लेकिन फिर भी शास्त्र सम्मत अगर कहीं कोई बात है, क्योंकि हमारे ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि हर घटना के लिए सूर्य और चंद्रमा का समीकरण जरूरी होता है। लेकिन शास्त्र अगर शादी के लिए सूर्य की बात कह रहे हैं, तो ये बात तर्कसंगत इसलिए लगती है क्योंकि अर्धरात्रि में जो कस्में खाई जाती है फेरों के माध्यम से, महत्वपूर्ण कस्में होती है, और हम महत्वपूर्ण रस्में उस वक्त अदा करते हैं जब यह मान्यता है कि वो जो वक्त है वो असुरी शक्तियों का है। उस वक्त नेगेटिव एनर्जी सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो अगर हम कोई शुभ काम उस वक्त कर रहे हैं जब नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक जागृत है, तो फिर वो शुभ काम शुभमय, बलमय, फलमय कैसे हो सकता है और कितना हो सकता है? ये तर्क के आधार पर समझने की बात है, इस पर विचार करने की बात है, सबको गौर करना चाहिए। विज्ञान का दौर है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ प्राचीन परंपराओं को लेकर के बात करो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि प्राचीन परंपराओं पर जब आधुनिक परंपराएं इतनी भारी पड़ने लग जाए और फिर उनका फलादेश हमको मिलने लग जाए, तब निश्चित रूप से उन पुरातन परंपराओं की तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने आप में मंथन करना चाहिए कि हम उनको छोड़कर इस तरफ कितने कदम अधिक आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, ये सृष्टि का नियम है। तो आज इस विषय पर बात इसलिए चल पड़ी क्योंकि आज जब मैं फेसबुक लाइव कर रहा था तो हमारे एक मित्र फॉलोवर आलोक सेठिया जी जुड़े थे और उन्होंने एक संदर्भ दिया कि आसाम के जो गवर्नर साहब हैं, महामहिम श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, जो कि राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम हम कह सकते हैं, राजस्थान के जो गृह मंत्री भी रहे हैं अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं, वो एक जैन समाज के उत्सव में आए थे और वहां पर दिगंबर समाज के जैन संत आचार्य या संत प्रमुख सागर जी, मैं पूरा नाम मुझे याद नहीं है, उनके सानिध्य में वो प्रोग्राम हो रहा था। तो श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया, महामहिम राज्यपाल साहब आसाम के, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, महाराज साहब, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं कि ये जो रात का भोजन है ये निषेध करवाइए और ये प्री वेडिंग है कि यह बंद करवाइए, और खाने में जो इतने आइटम बनते हैं उसकी जगह सिर्फ 11, और वो भी पानी सहित 11 आइटम ही तो पूरे मिला के होने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक राजनेता इतनी दूरदर्शिता, मतलब वो राजभवन अपने ठाट बाट से बैठे हैं लेकिन वहां पर भी उन्हें समाज की चिंता है, उन्हें परंपराओं की चिंता है, उन्हें मध्यम वर्ग की चिंता है कि ये जो आधुनिकता का दौर जितना बढ़ रहा है, सबसे अधिक पसीज रहा मध्यम वर्ग है और सबसे अधिक पसीज रही हमारी प्राचीन वो परंपराएं हैं जिनकी अपनी गरिमा है, जिनकी अपनी मर्यादा है, जिनकी अपनी धाक है और जिनकी वजह से समाज का अस्तित्व है। तो शायद इतना सोच करके उन्होंने दिगंबर समाज के संत जी के सामने ये अनुरोध किया था और वो फलीभूत भी हुआ। उनके सामने जब अनुरोध किया गया, एक गवर्नर अपनी बात इतनी बड़े चिंतन की बात कह रहा है, तो फिर वहां से एक्शन भी हुआ। वहीं पर समारोह पर लोगों ने शपथ ली और मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जरूरी है। अगर हमको अपनी परंपराओं को बचाना है, क्योंकि हमारी अपनी परंपराओं में हमारी अपनी मर्यादाएं हैं और जब हम मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं तब फिर कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ता है। शादी के इस बड़े उत्सव में आधुनिकता से हम इनकार नहीं करते, समय के साथ कुछ बदलाव है वो भी समावेशित हो, लेकिन इतना न हो
कि हम हमारी शास्त्र सम्मत परंपराओं को भूल जाएं, उन्हें दरकिनार कर दें और हम ऐसी परंपराएं लेकर के आ जाएं जिससे वो परंपराएं फिर भविष्य में हमें चिढ़ाने लग जाएं। तो ये सारी बातें गंभीर है और आज एक ऐसा प्रसंग चला इसलिए मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। इस पर विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। अगर मेरा यह सुझाव विचार आपको उचित लगे तो उसे अपनों तक भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।